नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। आमघाट खंडी कार्यालय पर बुधवार को शाम 4 से 5 बजे तक उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संगठन के तत्वावधान में विरोध सभा किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्याम नारायण सिंह ने निजीकरण के विरोध में होने वाले नफे नुकसान के संबंध में अवगत कराते हुए कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लिया जाए, इसे तत्काल निरस्त किया जाए, ये राष्ट्रहित में एवं जनता कर्मचारियों के हित में नहीं है। सभा में जिला सचिव हरिश्चंद्र सिंह, दीपक दुबे, राजू मौर्य, राम प्रकाश राय, संतोष कुमार, राम इकबाल, पंचुल राय आदि लोग उपस्थित रहे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढहाए गए विवादित ढांचा मामले की सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बुधवार को आने वाले फैसले और आगामी त्योहारों के शांति व्यवस्था कायम रखने के मद्देनजर सदर कोतवाली सहित जिले के अन्य थानों की पुलिस ने मंगलवार की देर रात रूट मार्च किया। नगर के महुआ बाग से रूट मार्च निकला। मिश्र बाजार, लाल दरवाजा, पचरस्ता, प्रकाश टॉकीज, टाउन हॉल, स्टीमर घाट, चीतनाथ, नखास, टेढ़ी बाजार होते हुए नवाबगंज तक गया। रूट मार्च में एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी, क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, सदर कोतवाल दिलीप सिंह सहित भारी संख्या में पुरुष और महिला पुलिसकर्मी शामिल रहे। शादियाबाद में सीओ भुड़कड़ा महमूद अली के नेतृत्व में रूट मार्च निकाला गया। इसमें थाना प्रभारी शिव प्रसाद वर्मा, एसआई गिरिजा शंकर, एसआई ब्रिज मोहन, एसआई रतन सिंह सहित पूरी पुलिस टीम मौजूद रही। दुल्लापुर में थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में निकाले गए रूट मार्च में उप निरीक्षक राम अनुग्रह पांडे, मनोज तिवारी, संतोष तिवारी सहित पुलिस फोर्स मौजूद रही। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील राम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, राज्यपाल को संबोधित एसडीएम को पत्र सौंपा, इसमें योगी सरकार से इस्तीफे की मांग की है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुनील राम ने हाथरस रेप कांड के बाद पीड़ित लड़की के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में उत्तर प्रदेश रेप प्रदेश बन चुका है। यूपी की योगी सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, इसको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश सचिव रविकांत राय, महिला जिला अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी, पीसीसी सदस्य अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। जमनिया तहसील मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को धरना दिया। इस मौके पर भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि अपराधी व माफिया ताकतों की सरकार चल रही है, इसलिए हाथरस से लेकर गाजीपुर तक दलितों, गरीबों पर हिंसा, हमले और दलित महिलाओं के साथ गैंग रेप, दलितों की हत्या आम बात हो गई है। जमनिया में ध्वस्त कानून व्यवस्था के लिए जवाबदेह सीओ और कोतवाल को हटाने की मांग की। धरने को योगेंद्र भारती, राजेश बनवासी, सत्येंद्र कुमार, बुच्चीलाल जगवली राजभर, राम प्रवेश कुशवाहा, लालजी बनवासी आदि ने संबोधित किया। अंत में माले कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार आलोक कुमार को पत्र सौंपा, अध्यक्षता जमुना बनवासी एवं संचालन विजय बनवासी ने किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में राही पर्यटन आवास गृह तुलसीपुर में बुधवार प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि निजीकरण होने से पावर कॉर्पोरेशन में कंपनी मनमानी बिल आम उपभोक्ताओं से वसूल करेगी एवं आए दिन मानसिक रूप एवं आर्थिक रूप से आम उपभोक्ता का शोषण करेगी, जो न्याय हित में नहीं है। कहा कि हम लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अपील किए तथा सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से निजीकरण के विरोध में सड़क पर उतरने की अपील की। इस अवसर पर जूनियर इंजीनियर संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव, सह संयोजक इंजीनियर शिवम राय, अधिशासी अभियंता मनीष कुमार आदि मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।